अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त घर खैर से ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी जान माल इज्जत अबो ईमान में फरमाए, आमीन सुमामी रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अभी जो लोग शिकार खेल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे प्यारे फितर सतरे शिकार मार रहे हैं जिनकी वीडियो मौसूल हो रही है, और आप दोस्त मुबारकबाद के हकदार हैं। आप दोस्तों की अपनी मेहनत है, दुनिया में किसी का भी किसी के ऊपर यार कोई एहसान नहीं हुआ करता। चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो मर्जी खेलें आप दोस्तों की, मेरी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। हर शख्स उसको खेलने को फार्मूलेशन को पसंद करता है जिसके ऊपर कोई ना कोई रिजल्ट हो, कोई ना कोई चीज़ लगे। अभी मेरे बहुत सारी मुझे पहले से ज़्यादा वीडियोज़ और जो स्नैप्स वगैरह मुझे मशगूल हो रही हैं माशाल्लाह लोगों की। तो जनाब, आपने अब करना क्या है? देखिए, ये फार्मूलेशन है, लोग खेल रहे हैं। जिनके पास आप हमारी फार्मूलेशन है वो तो खैर खेल रहे हैं। जो लोग आप दोस्त इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी कोई भी अपनी फार्मूलेशन खेल रहे हैं, मैं सिर्फ जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं पहले बता चुका, बार बार जब मुझे मैसेज आते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बता दो जो अपनी चढ़ाई के अंदर ऐड कर लें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जो अपनी चढ़ाई में ऐड कर लो, तो मैंने भाई ये जो चीज़ बता रहा हूँ पहले बताई भी। ये करना क्या, सिंपल सी बात है। कहीं पर भी आप शिकार खेल लें, किसी जगह पर भी शिकार खेल लें, आपने करना क्या है, जो चराई आपने बनानी है आपकी अपनी चॉइस है। वेट चराई बनाते हैं ये, ग्राउंड वेट यानी जिसे क्या बोलते हैं ग्राउंड, तो उसको आप सख्त बनाएं थोड़ा सा या थोड़ा नरम रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है। पानी की कंडीशन के हिसाब से रखें। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत सूटेबल है, पहले बता चुका हूँ। करना क्या है, जितने दोस्त देखने वाले पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को काइंडली प्रेस कर दें ताकि न्यू और पुरानी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, करना सिंपल सा काम ये, 10 ग्राम आपने आलमंड ऑयल बादामों का तेल लेना है, 10 ग्राम आपने तिलों का तेल, वाइट सीड जो होते हैं उनका तेल लेना है, तिलों का तेल 10 ग्राम तिलों का तेल, 10 ग्राम आपने अपना बादाम का तेल लेना है। इन दो चीज़ें आपकी ये हो गई। ये तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है जायफल और जवत्री, दो ग्राम जायफल, 2 ग्राम जवत्री, यानी कि ये 1 या 2 आपके बन जाएंगे जायफल के, वो ठीक हो गया। जायफल के आप 2 पीस जायफल के, सिंपल सा तरह 2 पीस जायफल के ले लेने, छिलके हटा के, और इसी हिसाब से 1 आधा चम्मच के करीब आपने थोड़ी सी इतनी सी आपने जवत्री ले लेनी, जो पीले कलर की होती है, पाकिस्तान इंडिया में आसानी से मिल जाती है, घरों में मौजूद होती है क्योंकि मसालों में यूज़ होती है। दोस्तों, इसको आपने करना क्या है, आलमंड ऑयल और जो तिलों का तेल है इसको किसी पैन में, किसी चीज़ में हल्का सा गर्म करना है, और जो जायफल और जवत्री है इसको आपने किसी चीज़ में अच्छी तरीके से कूट लेना है। कूट के इसको उस बर्तन में डाल दें जिसके अंदर बादाम और तिलों का तेल गर्म हो रहा है। जैसे ये पहला हल्की सी स्टीम के साथ इस पर से भाप उठे और इसके ऊपर बॉइलिंग आए, आपने उसी वक्त जो है फ्लेम को बंद कर देना है, और फ्लेम को बंद करने के बाद आपने इसको जो है दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है बीच में, और दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो चीज़ है इसको ठंडा होने दें। जैसे अब ये ठंडा हो जाएगा, इसको ठंडा होने के बाद किसी छोटे छोटे ड्रॉपर्स के अंदर स्टोर कर लें, ज़्यादा बेहतर है। एक ही दफ़ा 4, 5, 6 ड्रॉपर आपके बन जाएंगे, 10-10 ग्राम दोनों मिलाएंगे तो 4 से 5 ड्रॉपर बन जाते होते हैं छोटे ड्रॉपर, वो ड्रॉपर ले लीजिए। इंस्टेंट चीज़ है, फ़ौरन रेडी है, इसके अंदर कोई तखीर नहीं है। वेल, लेकिन करना क्या है, इसको अच्छी तरीके से फुल गर्मा गर्म बोतल में डालना है। जैसे ही ठंडा और जो है नीम गर्म हो जाए, इसको अच्छी तरह से हिलाना है, तो इसको हिलाना है बर्तन के अंदर चम्मच से अच्छी तरह हिलाना है, और हिला के इसको जब ड्रॉपर्स में डालेंगे तो कोशिश ये करनी जो नीचे से आपने लेवल से उठाना है, इसको लेवल से उठाना है, ताकि जो जायफल और जवत्री आपने कूटी है वो भी साथ साथ इन ड्रॉपर्स के अंदर इनके ऑयल के साथ जैसे वेस्ट पतंग तौर पे नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। उसको आपने लेना है, और उसको लेने के बाद आपने ड्रॉपर्स के अंदर इसको रख लेना है और इसको स्टोर कर लेना है। एक ड्रॉपर अपने बैग में रख लें, बाकी घर रख दें, पॉइंट पर जाएँ, जो चराई आप खेलते हैं इसको आप लगाएं, और जब आप चराई लगा लें 2 कतरे 4 कतरे उसको ऊपर साइडों पर डाल दें, इसको उंगली से मर्च कर दें, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पॉइंट के ऊपर शिकार खेलें, देखिएगा इंशाल्लाह कि आपको रोहू और मोरी इसके ऊपर लगेगी इंशाल्लाह। ये पर्सनली इसके ऊपर हमारा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे दोस्तों ने शिकार इस पर मार कर खेल कर और इसकी जो वीडियोज़ हैं वो और स्नैप्स हैं माशाल्लाह भेजी हैं। दोस्तों, साथ के साथ इसके अंदर 3 तरीके के चंबे बनते हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको आयल के, अट्रैक्टर के इसके अंदर बताऊंगा। और जिस वक्त आपने पॉइंट के ऊपर जाना है, ये इतनी ही चीज़ काफ़ी है कि जितनी मैंने आपको बताई है, चाहे आप अपनी कोई चढ़ाई खेलते हो, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये लाजवाब आइटम है। और ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं पुराने उस्तादों के, हमारी लोकल चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर जो है
ये कोई फॉरेनर की या किसी और लोगों ने ये वीडियोस अपलोड की हुई हो या वहाँ से कॉपी की हुई, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये हमारे अपने जो लोकल एंगलर्स थे जो हमारे पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान से आके एक माशाल्लाह से एक ही जगह के ऊपर काफ़ी सारा तजर्बा इकट्ठा हुआ, बहुत सारे लोग और जब आपको पता खेलते रहते हैं फार्मूलेशन होती है, तो ये आज उन लोगों के ये तोहफे हैं, उन लोगों के नुस्खे हैं जिसके ऊपर उन लोगों ने बहुत शिकार मारे, हमारे उस्तादों ने शिकार मारे, हमने भी कुछ ना कुछ मार लिया और जिनको बताया उनमें बहुत बड़ी तादाद ने मार लिया। तो अब जो है ये तो जिन लोगों के पास पानी अच्छे है वो तो जनाब माशाल्लाह बड़े खड़का खड़का के दाने मार रहे हैं। तो ये दरियाओं पर भी चल चुका, डैमों के ऊपर भी चल चुका, नहरों के ऊपर भी चल चुका, क्योंकि इसका कोई कंसर्न नहीं है कि जिस आपके हुक रेट से या आपकी जो आपने प्रॉपर चरई बनाई, ये एक अलग से एक सेपरेशन चीज़ है जो कि मछली को बहुत इसे अट्रैक्ट करता है। ख़ास तौर पर मैंने कहता है ये रहू और मोरी मुराख के लिए जो है ये बहुत बहुत औसम चीज़ है, इसको इस्तेमाल करने का बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो माशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि बोतल को किसी छोटे से शॉपर में रख करके अपना या एयर टाइट कोई छोटे से पॉलीथीन बैग मिलते हैं उनमें रख दीजिएगा और दबाव में ना आए, वरना अक्सर का ड्रॉपर ऐसा होता है कि वो बेचारे लीक भी हो जाते हैं तो जिसकी वजह से सामान बैग वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो जनाब इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दिए, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।